नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां चुनाव नतीजों से पहले महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा की आवाज पर यह बैठक बुलाई गई, जहां अमित शाह पहुंचे। जेपी नड्डा की आवाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस दौरान शामिल रहने वाले हैं। तो ये देखिए, चुनाव के नतीजों के पहले ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आवाज पर यह बैठक बुलाई गई है। और उस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं और उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये देखिए, जाहिर सी बात है कि कल नतीजों का दिन है और इस दौरान ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता अनूप गुप्ता जुड़ गए हैं। अनूप, जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्या कोई उद्देश्य इस बैठक का? देखिए, आपको बता दूं कि कल चुनाव परिणाम आने वाला है और उसे ठीक पहले जेपी नड्डा के आवास में ये बड़ी बैठक है। और अभी इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और संभावना है कि थोड़ी देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के और बड़े नेता यहाँ पहुंचेंगे और एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। जिस तरीके का एग्जिट पोल आया है और जो बीजेपी का असेसमेंट है परिणाम को लेकर के, उन सभी बातों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन बीजेपी अपने तरीके से आश्वस्त है। बीजेपी को यह पूरी तरह से मालूम है कि अगली बार जो है वो तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ रही है, तो ऐसे में किस तरीके से आगे की तैयारी करनी है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि कल देर रात ही जो पार्टी के नेता हैं और जो बूथ मैनेजमेंट देखते हैं, उनको भी पार्टी ने सख्त हिदायत दी है कि जो जब गिनती शुरू हो तो क्या क्या करने हैं, किस तरीके से सतर्कता बरतनी है, क्योंकि तमाम बातें सामने आ रही है और अगर किसी तरह का उसमें लूपहोल्स है तो उस पर शिकायत दर्ज करानी है। तो तमाम तरह की तैयारियों को लेकर के आज बीजेपी में मंथन जो है वो शुरू हो गया है और सूत्र बता रहे हैं कि शाम तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिवों के साथ भी बैठक करेंगे। जी बिल्कुल, और ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है और इसके पहले ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही। बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकसभा में जीत के बाद बीजेपी भव्य जश्न की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 जून को एनडीए की जीत होने पर प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे और ये रोड शो लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी दफ्तर तक होगा। रोड शो के दौरान 2 से 3 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। तो लोकसभा में जीत के बाद बीजेपी भव्य जश्न की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 जून को एनडीए की जीत होने पर प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे और ये देखिए, जैसा कि एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं उसके मद्देनजर भी बीजेपी को ऐसा विश्वास है कि वो जीत हासिल करने वाली और इसके चलते मेगा रोड शो की तैयारी की जा रही है। नतीजों का इंतजार, कौन कितना तैयार? जी हां, कल लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन है और जनता के फैसले का इंतजार हो रहा है। 16 मार्च से शुरू हुआ चुनाव प्रचार 75 दिन चला और 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई। अब कल पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और देश को नई सरकार मिलने जा रही है। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट 2 कैटेगरी में काउंट होंगे। पहले सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और ऑफिसर्स के वोट काउंट होंगे और इसके बाद सेकेंड कैटेगरी में चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के पोस्टल बैलेट काउंट होंगे। इन सभी पोस्टल बैलेट वोट को सबसे आखिर में ईवीएम के वोट के साथ जोड़ा जाएगा। काउंटिंग शुरू होने के शुरुआती 4 घंटों के बाद यानी कि दोपहर 12 बजे तक रुझान आने शुरू होंगे और करीब 2 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। ईवीएम के वीवीपैट से मिलान, वीवीपैट पर्ची काउंटिंग और पोस्टल बैलेट जोड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट 6 बजे तक घोषित होने की संभावना जताई गई है। तो देखिए, अब माहौल जो है वो पूरा जोश है माहौल में और यह भी देखा जा रहा है कि 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होने वाला है। 751 पार्टियों ने जंग में ताल ठोकी है। काउंटिंग का जो काउंटडाउन है वो जारी है और कल शाम 6 बजे तक में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आप ये देखिए कि नतीजों का इंतजार, कौन कितना
तैयार है, कौन किस पे भारी पड़ा है, कल होने वाले काउंटिंग में ये स्पष्ट हो जाएगा। 16 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, 75 दिन तक चला और 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 फेज में वोटिंग हुई है। अब कल पिछले 80 दिनों का इंतजार खत्म होने जा रहा है और देश को नई सरकार मिलने जा रही है। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती की जाएगी, इसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट 2 कैटेगरी में काउंट होंगे, पहले सेना पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और ऑफिसर्स के वोट काउंट होंगे और इसके बाद सेकेंड कैटेगरी में चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के पोस्टल बैलेट काउंट होंगे। इन सभी पोस्टल बैलेट वोट को सबसे आखिर में ईवीएम के वोट के साथ जोड़ा जाएगा। काउंटिंग शुरू होने के शुरुआती 4 घंटों के बाद यानी कि दोपहर 12 बजे तक रुझान आने शुरू होंगे और करीब 2 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। ईवीएम के वीवीपैट से मिलान, वीवीपैट पर्ची, काउंटिंग और पोस्टल बैलेट जोड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट शाम 6 बजे तक घोषित होने की संभावना व्यक्त की गई है। और चलिए इसे शुरू करेंगे, बीजेपी ऑफिस हमारे साथ तनु जुड़ी हुई हैं और साथ ही कांग्रेस ऑफिस से उमेश जुड़ गए हैं, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से जुड़े हुए हैं और ममता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो, और रजनीश शेट्टी भी मौके पर मौजूद हैं। तो सीधे रुख करेंगे, सबसे पहले तो हम ममता का रुख कर लेते हैं क्योंकि माहौल बहुत ही जोश हाई है ममता, और देखा यह जा रहा है कि जो रुझान आए हैं एग्जिट पोल में उसके बाद बीजेपी काफी आश्वस्त है कि जीत उनको मिलने वाली है। हमने देखा कि शुरुआत हो चुकी है जश्न मनाने की। ममता, बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो रुझान आए हैं उसके बाद में बीजेपी में जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस वक्त हम राजीव भवन में मौजूद हैं, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और आप इस वक्त भी अगर हम बात कर सकते हैं तो यहाँ पर वार रूम बनाया गया भीतर, अभी फिलहाल कोई आया नहीं है लेकिन कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि वो एग्जिट पोल को नहीं मान रहे हैं और कल जो एग्जिट पोल आएंगे उसी को हम मानते हैं। उनका कहना है कि ये इस तरीके बीजेपी जो है वो अति उत्साह में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शहर में अगर आप निकलेंगे तो बीजेपी के अभी से पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, बधाइयों के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं और यज्ञ वगैरह भी जो है वो बीजेपी के लोग करवा रहे हैं कि 400 पार होना है। तो जाहिर तौर पर अगर बात करें तो अभी फिलहाल कांग्रेस जो है वो रुक रुक कर जो है वो बयान दे रही है, सिर्फ उनका यही बयान है कि हम इस पोल को नहीं मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी दफ्तर में जो है वो लगातार उत्साह का माहौल है, एक के बाद एक बयानबाजी की जा रही है, जैसे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी देर बाद बाइट देंगे। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर से जो है वो बीजेपी के अलग अलग आयोजन जो है वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी कल को लेकर, ये लगातार पहले से वो कहते आ रहे हैं लेकिन अभी अगर हम बात करें तो जो एजेंटों की बैठक अभी भी कई जगह चल रही है और जो प्रत्याशी है वो अपने अपने जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र वहां पर चले गए हैं। उनका कहना है कि नजर रखेंगे और हम अपने जमीनी सर्वे पर हैं और सर्वे से इतर कोई चीज आती है तो उसके बाद हम चुनाव आयोग तक के जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में बुरी तरीके से छत्तीसगढ़ में सफाया कांग्रेस का दिखाया जा रहा है। सारे जो पोल्स हैं उसमें महज एक सीट जो है वो किस तरह से कांग्रेस ले जाते हुए दिख रही है। अभी कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं और अगर ये 2 सीटें भी गवाती है और अगर एक सीट ही कांग्रेस ले आती तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से अगर हम मान के चले कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार होगी और विधानसभा चुनाव के बाद में अगर बात करें तो फिर ये नतीजे बहुत खराब अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार के बाद अगर लोकसभा चुनाव में इतनी जद्दोजहद के बावजूद कांग्रेस की सीट बढ़ने की बजाय कम हो जाती है तो ये वाकई में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, ये गठबंधन के लिए भी चिंता का विषय है। और सीधे रुख करेंगे, बीजेपी ऑफिस से तनु वर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, बीजेपी अति उत्साहित हो चुकी है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी जीत कर आ रही है रुझानों के बाद से, जब से एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं और हमने ये भी देखा कि कई जगहों पर तो जश्न की तैयारियां भी हैं। इस वक्त क्या चल रहा है बीजेपी दफ्तर में, क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, देखिए कल जो है वो मतगणना होनी है और एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में एनडीए को जो है भारी बहुमत मिल रही है और एक बार फिर कहा जा सकता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिर से सत्ता में आ रहे हैं। वहीं बीजेपी जो है अपनी जीत को लेकर जिस तरह से एग्जिट पोल में रुझान सामने आए हैं वो भी पूरी तरह से आश्वस्त है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं। एक तरफ भाजपा जहां छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में जीत का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो जो है बीजेपी से ज्यादा सीटें जो है उनके खाते में आएंगी। और इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने एग्जिट पोल को जो है नकारते हुए एग्जिट पोल पर भरोसा जताया है। उनका कहना है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल के अपोजिट आएंगे। फिलहाल मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि बीजेपी के एग्जिट पोल में जिस तरह के रुझान सामने उसके बाद बीजेपी में जो है जबरदस्त माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से जश्न का माहौल है। वहीं हम राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में अभी से पोस्टर्स लगने जो है वो शुरू हो गए हैं। जो राजधानी रायपुर से कैंडिडेट थे बृजमोहन अग्रवाल, उनके जगह जगह पर उनको अग्रिम बधाई की जो है पोस्टर्स लगाए गए हैं। हालांकि इस पोस्टर्स को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में है और जो एग्जैक्ट नतीजे जो है वो 4 जून को ही पता चल पाएगा। वहीं भाजपा कार्यालय की हम बात करें तो भाजपा कार्यालय में शाम 6 बजे जो है एक बैठक भी रखी गई है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है इस बैठक में शामिल होंगे और करीब 6 बिंदुओं पर पूरी चर्चा जो है वो होगी। इसके साथ ही मतगणना को लेकर बीजेपी का एक्शन प्लान भी पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों का प्रभार भी जो है वो सौंपा गया है। इसके साथ ही आज महायज्ञ का आयोजन भी काउंटिंग से पहले बीजेपी कर रही है 400 सीट के लिए। इस महायज्ञ में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो है ईश्वर से आशीर्वाद मांगेंगे तो पूरी तरह से बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। जाहिर सी बात है, बीजेपी तैयारी भी कर रही है जश्न की, हम देख पा रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे बिलासपुर का उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, शायद वे मिठाई की दुकान पर मौजूद है। उमेश, कैसा नजारा है, कैसा माहौल लग रहा है, क्योंकि आम जन में जाहिर सी बात है जिन्होंने वोट किया है उनमें भी एक असमंजस की स्थिति है कि कौन सी पार्टी जीत कर निकल कर आती है और परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती है। उमेश, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से न्यूज 18 ने एग्जिट पोल पर जो रुझान आया है उसको लेकर काफी जो भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए उस पर काफी खुशी की लहर देखे जा रहे हैं। और ये इस वक्त मैं बिलासपुर के मिठाई दुकान में मौजूद हूँ। आप देखिए कि ये सबसे प्रतिष्ठित दुकान है बिलासपुर का। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी से ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ भाजपा के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कितने का ऑर्डर दिया है मिठाई का और क्या लग रहा है आपका नाम रुझान आ गया जो? देखिए, एग्जिट पोल से पहले भी मैं यहाँ, मेरे भाई लोग जा रहे हैं, मेरा हमेशा बहस होता रहा है, मैं तो पहले भी बोला हूँ कि ये सिर्फ औपचारिकताएं बची है, कल भी औपचारिकताएं हैं। सबको मालूम भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत नहीं, पूर्ण बहुमत से कहीं अधिक की सरकार, 350 की सरकार मानी, 350+ भाजपा रहेगी। अब मैं 11 किलो लड्डू का ऑर्डर अभी से यहाँ दे दिया हूँ, कल जैसी जीत की घोषणा होगी हम लड्डू बांटना शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप ये बताइए कि किस तरीके से जो रुझान आया है और उसको किस तरीके से देखते हैं। आज यहाँ पर पहुंचे मिठाई दुकान में, काफी फेमस दुकान है मिठाई के। मैं तखतपुर विधानसभा से आया हूँ, हमारे यहाँ से हम लोग 51 किलो लड्डू का यहाँ ऑर्डर दिए हैं कल के लिए। हम लोग को ये मालूम है, रुझान देख के समझ में आ गया है कि बहुमत से बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं और कांग्रेसी बहुत ज्यादा हताश है। आपने भी ऑर्डर दिया है? मैं कांग्रेस पार्टी से हूं और मैं बिलासपुर विधानसभा का हूं। हम भाजपा की ये जो मनगढ़ंत एग्जिट पोल है, फर्जी एग्जिट पोल, मोदी एग्जिट पोल, इसका पूरा कल भांडाफोड़ हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में 11 में से 7 सीटें कांग्रेस मिठाई का ऑर्डर, और मिठाई का ऑर्डर हम 51 किलो लड्डू का ऑर्डर दे रहे हैं। बिलासपुर से देवेंद्र यादव जी प्रचंड बहुमत से चुनाव। चलिए, दुकानदार भी हमारे साथ है यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे अब तक के कितने ऑर्डर आ गए हैं आपके पास यहाँ पर? 3-4 ऑर्डर आ चुके हैं अभी तक, 3-4 ऑर्डर आ चुके हैं। हमारे भाजपा की तरफ से शैलेंद्र यादव जी बिलासपुर तखतपुर से, हमारे रसिद बड़े भाई रसिद बख्श जी, इन्होंने लड्डू का ऑर्डर नोट करा दिए हैं। तो ये क्या हर बार जब चुनाव आता है तो आपके यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो नेता हैं वो ऑर्डर देते हैं? हाँ, देते रहते हैं, हर साल होता है हमारे यहाँ। तो क्या स्पेशल है मिठाई में आपके यहाँ? हाँ, लड्डू है, सभी प्रकार के हैं, लेकिन ज़्यादातर चुनावों में रिजल्ट में लड्डू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो लड्डू का ऑर्डर ज्यादा दिया जाता है। तो देखिए, जो ऑर्डर का सिलसिला है वो जारी है, कल चुनाव परिणाम आने हैं उसको लेकर पहले से जो नेता हैं कांग्रेस भाजपा या फिर अन्य दल के जो नेता हैं वो बड़ी संख्या में दुकानों में पहुंच रहे हैं और अपने ऑर्डर और बहुत बड़ी तादाद में लड्डुओं के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। हम सीधे रुख करेंगे, शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, इस वक्त बीजेपी ऑफिस में शायद मौजूद हैं। आज शैलेंद्र, कैसा माहौल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी दफ्तर में जश्न की माहौल की तैयारियां देखी जा रही है, गजब का उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में खासतौर पर, तो बीजेपी ऑफिस में इस वक्त क्या देखा जा रहा है भोपाल में?
देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के बीजेपी दफ्तरों में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। इस वक्त में बीजेपी के मीडिया सेंटर में मौजूद आप देख सकते हैं कि लंबे लंबे कटआउट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां पर लगाए गए और जिस तरीके से एक बार फिर मोदी सरकार की जो नारे हैं वो लगाए गए हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई और कल शनिवार को जिस तरीके से एक बड़ी बैठक भी आयोजित यहां की गई थी और तमाम जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया गया था। और क्या तैयारियां बात करेंगे हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सर कल नतीजे आने हैं हालांकि एग्जिट पोल आपके पक्ष में किस तरह की तैयारियां नहीं देखिए एग्जिट पोल से बेहतर भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल्स होंगे और भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता इस प्रचंड विजय के प्रचंड जश्न को मनाने के लिए इंतजार कर रहा है। जैसे ही रुझान स्पष्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों में जश्न का माहौल होगा। यहां पर भी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी और सब समेत सभी हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो उपस्थित रहेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में जो 29 के 29 माला भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश मोदी जी को समर्पित करने वाली उसका जश्न मनाएंगे। लेकिन सर दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयारी कर रही है कह रही है कि एग्जिट पोल ठीक नहीं है बल्कि नतीजे उलट आएंगे वो भी तैयारियों में जुटे हुए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है तो कांग्रेस ही बस इन वाक्यों को चंद घंटों के लिए अब जी रहे हैं। 48 घंटे से घट के अब तो 24 घंटे भी नहीं बचे हैं जब स्पष्ट होगा कांग्रेस सबसे करारी हार और हार का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनाने वाली है जिसे कांग्रेस के नेता भी जानते हैं पर कुछ समय के भ्रम फैलाने के लिए और आत्ममुक्ता के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो देखिए प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं जो कह रहे हैं कि जश्न की पूरी तैयारियां की गई हैं और न केवल राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश भर में जितने भी जिले हैं 52 जिले उन सब जिलों में जो है वो जश्न की तैयारियां की गई हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो बीजेपी में अब अंतिम रूप दे दिया गया क्योंकि एक बड़ा दिन कल बीजेपी के लिए है। जिस तरीके से एग्जिट पोल जो सामने आया उसमें भी इस बात की तरफ इशारा किया गया कि मोदी सरकार तीसरे टर्म में फिर वापस आने वाले और 400 पार का जो नारा दिया था वो उसके लक्ष्य के आसपास जो है वो पार्टी पहुंचने वाली और यही कारण है कि तमाम जो तैयारियां जो हैं वो यहां पर की गई है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो एक नारा दिया गया है उसको भी यहां पर लिखा गया है कि एक बार फिर मोदी सरकार ये ग्राफ के माध्यम से बताया भी गया है कि 2014 में 282 सीटें 2019 में 336 और अब 2024 यानी 400 प्लस सीटें जिसका बार बार बीजेपी जिक्र करती रही है शुरू से जिक्र करती रही और एग्जिट पोल भी कुछ इसी तरह इशारा कर रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और अब इंतजार है तो कल सुबह का जब सुबह से काउंटिंग शुरू होगी और धीरे धीरे करके नतीजे करके सामने आएंगे जी। बिल्कुल और ममता की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। ममता अब बीजेपी दफ्तरों में तो हम देख रहे हैं कि बहुत तैयारियां देखी जा रही हैं यहां तक कि बिलासपुर की भी हमने तस्वीर दिखाई है जब लड्डुओं का ऑर्डर दिया जा चुका है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी है मिठाई बांटने की। इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में कैसा माहौल है लोग मौके पर मौजूद हैं किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं एग्जिट पोल को लेकर क्योंकि कल तो लगातार बात हुई है निराधार बता रहे हैं प्रायोजित एग्जिट पोल बता रहे हैं और उनका यह मानना है कि अभी भी गठबंधन और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर आने वाला है बीजेपी के मुकाबले। बिल्कुल देखिए राजीव मोहन इस वक्त मौजूद हैं और अपने कैमरा पर्सन मनीष जो हैं उनसे कहूंगी कि मैं आपको दिखाएं राजीव मोहन की तस्वीरें। आप अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि 11 बज रहे हैं और अभी अगर हम बात करें तो सन्नाटा पसरा हुआ है और थोड़ी देर बाद अगर बात करें तो वार रूम में ज़रूर ये बातचीत हो सकती है कि वार रूम में किस तरह की और स्ट्रेटेजी होगी लेकिन अभी कोई पहुँचा नहीं है यहाँ पर और कोई तैयारी आपको नहीं दिखाई देगी। कोई पोस्टर यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है न इंडिया गठबंधन को लेकर आपको कोई पोस्टर दिखाई देगा न यहाँ के जो है उसको लेकर कि भाई किसी तरह से कोई अगर हम बात करें जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल के बधाइयों के पोस्टर लग रहे हैं जो रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं लेकिन कांग्रेस में अगर हम बात करें तो कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यहां से विकास उपाध्याय जो है वो खड़े हुए थे रायपुर लोकसभा से लेकिन उनके कहीं पोस्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं बधाइयों के उनके समर्थकों के। पूरी तरफ से आप देखेंगे एक बार फिर से कहूंगी किस तरफ आपको दिखाए वो कांग्रेस भवन में अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई पोस्टर या कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और कांग्रेस का ऐसा कहना है कि जिस दिन नतीजे निकलेंगे उसके बाद नतीजों के बाद ही जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और हम जीत रहे हैं छत्तीसगढ़ में इतिहास बदलेगा और करीबन 4 से 5 सीटें कांग्रेस लेकर आएगी। बयान अपनी जगह है लेकिन किसी तरह का उत्साह जो है वो कांग्रेस नहीं दिखा रही है किसी तरह का उत्साह कांग्रेस भवन में नहीं दिखाई दे रहा है। दीपक दास जरूर रायपुर पहुंच चुके हैं और हो सकता है वो शाम तक के कोई बयान जो है वो जारी करें मतगणना से पहले। तमाम तरह की बैठकों की अगर हम बात करें तो उनका दावा
गया है कि बैठकें जो है वो हो चुकी है, एजेंटों को समझा दिया गया है, हमने अपने लोकल सर्वे करवाए हैं, प्रत्याशी अपने लोकसभा क्षेत्र में गए हुए थे और उन्होंने अपनी जानकारी ली हुई है और उसके हिसाब से वो देखेंगे कि नतीजे जो है वो किस तरह से आते हैं। हर परिस्थिति से लड़ने भिड़ने और प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो बयान पे है, लेकिन अगर बात करें तो अभी फिलहाल देखें तो पूरे बात यहाँ की नहीं है बल्कि और भी जगह अगर देखें तो कांग्रेस में उस तरह का अभी कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है नतीजों के पहले। जी बिल्कुल, और तनु आपके पास आते हैं, कांग्रेस में तो उत्साह की कमी नजर आ रही है, शायद वो ये मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सपने देख रही थी वो मुंगेरी लाल के सपने थे, लगातार बीजेपी घेरती आई है कांग्रेस को कि आप सिर्फ सपने देखिए, सपने पूरे नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल इतना जबरदस्त है, मानिए कि रिजल्ट आ चुका है और बीजेपी जीत गई है, बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। वहां पे तस्वीरें दिखाइए मौके पर कैसा नजारा है, कौन मौके पर मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, बीजेपी दफ्तर में तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल के जो रुझान आए हैं उसके बाद से बीजेपी जो है अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, जश्न का माहौल है। और पार्टी कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पार्टी कार्यालय में जो है जीत को लेकर बीजेपी के अभी थोड़ी देर पहले से ही कार्यकर्ताओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, धीरे धीरे करके यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो आपको थोड़ी देर में नजर आएगी। फिलहाल कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो सुबह से ही पार्टी कार्यालय में आने का सिलसिला उनका जो है वो शुरू हो चुका है और एक जश्न का माहौल हम यहाँ पर देख रहे हैं। चाहे बृजमोहन अग्रवाल के पोस्टर्स की हम बात करें तो उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही उनके अग्रिम बधाई के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। हालांकि इस पोस्टर्स को लेकर कांग्रेस भी लगातार जो है वो तंज कसते नजर आई है, तो तैयारी जो है वो पूरी तरह से बीजेपी ने पूरी कर ली है, अलग अलग इंतजाम जो है वो जश्न को लेकर जो है वो किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे बीजेपी कार्यालय में जो है जीत को लेकर यहाँ पर जो है कार्यकर्ता जो है आने का उनका शुरू हो चुका है और एक अंतिम तैयारियों को रूप भी जो है थोड़ी देर में यहाँ पर दिया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि अंतिम तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।